हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मतलब चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जैसे ही इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जब हम उनको चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उसका जवाब है हाँ। तो उसी चीज़ को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि ये वो फिनोमिना होता है जिसमें करंट या EMF जनरेट किया जा सकता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसा करने से जो EMF इंड्यूस होता है किसी वायर के अंदर या किसी दो पॉइंट के बीच में, उसको इंड्यूस EMF कहते हैं। और अगर ये कंडक्टर उसको हम एक क्लोज सर्किट बना दे तो उसके अंदर करंट भी फ्लो होता है, जिसको इंड्यूस करंट हम कहते हैं। ठीक है, अगर पूरा एक सर्किट बना है तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी के बेस पे हमारे पावर जनरेटर बने हैं, हमारे डायनमो, ट्रांसफॉर्मर सब इसी के बेस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के। ठीक है, उसमें मैग्नेट होती है और कॉइल वगैरह होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है तो करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। वो कैसे होता है हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब उन सबसे पहले चीज आती है जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उससे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मान लेते हैं ये एक एरिया है, ये एक सरफेस है, और इससे हमको कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स पास होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो पास होगा वो बेसिकली हमको बताएगा कि इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स पास हो रही है। ठीक, इस एरिया का नॉर्मल मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है इधर की तरफ। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम, फ्लक्स निकलेगा बी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इस हर पॉइंट पे, और इसका पूरा एरिया। ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस सरफेस पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है, बी, और इसका टोटल एरिया कितना है, ए, और कॉस थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इससे इसका हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर हमारा जो थीटा है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर वो 90 डिग्री है, जो कि हमको दिख ही रहा है, ठीक है, मतलब कि इस एरिया के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही, सब इसके ऊपर से जा रही है, तो फ्लक्स से कोई पास ही नहीं होगा, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, वही हमारा एरिया बी ए कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो फ्लक्स पास होगा से मिनिमम, सबसे कम जीरो फ्लक्स पास होगा, कोई लाइन इसके अंदर से नहीं जा रही है। इस केस में करते हैं, इसमें क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स कितना पास होगा इससे, बी ए कोस जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, वन। तो हमारा फ्लक्स कितना हो गया, बी ए, ये हो गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। और अगर देखो बच्चों, जो हमारे पास ये एरिया है, ये सिंगल एरिया ना होके कॉइल बनी हुई है इसकी। ठीक है, इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो कितना एरिया, कितना फ्लक्स पास होगा, फिर टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा एन बी ए कोस थीटा। फॉर्मूला वही रहेगा, बस एन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कोस थीटा। अब बात आती है इसके SI यूनिट की, फ्लक्स की SI यूनिट क्या होगी, इसकी होती है हमारी टेस्ला, और इसकी मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट वैसे होती है वेबर, ये होती है वेबर। ठीक, और वन वेबर होता है वन टेस्ला मल्टीप्लाई वन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब, जब एक मीटर स्क्वायर से, एक मीटर स्क्वायर का एरिया है उससे वन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, तो कितना बनता है, वन वेबर। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी SI यूनिट। अब हमें अगली वीडियो में देखना है
कुछ एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किए थे। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक एरिया है और एक एंगल है। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को चेंज करें तो फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके पहले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके देखेंगे, फिर एरिया को, और फिर एंगल को चेंज करके देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो बेसिकली हमको कुछ ना कुछ चेंज करके देखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट तभी तो दिखाई देगा जब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आप अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।